स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट। इससे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर दो थ्योरम्स जो आपको दिखाई हैं यहाँ पर, वो बहुत ही आसान है। मैं आपको वन बाय वन बता भी दूंगा और डायग्राम से समझा भी दूंगा। पहली थ्योरम क्या कहती है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनइक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, मान लीजिए ए बी और सी ये दो साइड्स हैं, ए बी और ए सी, ये दोनों कैसे हैं, अनइक्वल। ओके, ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल दो साइड्स कैसी हैं, अनइक्वल। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर। अब देखो, मैंने इसी तरीके से डायग्राम बनाया जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी क्या है, ग्रेटर है, किससे, ए सी से, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। अब अगर मैं डायग्राम की बात करूं या अपने थ्योरम की बात करूं, इसमें क्या कहा गया, साइड जो आपकी ग्रेटर है इसके अपोजिट जो एंगल है, ठीक है, वो क्या रहेगा, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर देन अदर एंगल, क्योंकि कंपैरिजन तो इन्हीं का हो रहा है ना, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। सो यू कैन से दैट एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। सिंपल सी बात है, जो साइड ग्रेटर है ए बी, उसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर। वेरी सिंपल, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। और इसी थ्योरम को थोड़ा सा चेंज करके भी कह सकते हैं, लार्जर की जगह दोनों जगह क्या लगा दो, शॉर्टर, यानी कि अगर कोई साइड छोटी है, स्मॉलर है, तो उसका अपोजिट एंगल भी कैसा रहेगा, स्मॉलर। एसी कैसी है, साइड छोटी साइड है, इसका सामने वाला एंगल कौन है, बी, तो ये भी कैसा रहेगा, स्मॉलर एंगल बनेगा। आई थिंक बात क्लियर हो गई। सेम इसी वे में अगर अब मैं इसको क्या कर दूं, बस पलट दूं, तो आपका क्वेश्चन या थ्योरम ये बन जाएगी, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स क्या है, अनइक्वल। चलो पहले ये भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी, ये ए बी सी। अब क्या कहा, ये जो दो एंगल हैं ये कैसे अनइक्वल, एंगल बी एंड एंगल सी दोनों अनइक्वल है, अभी मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया, ठीक है। अब क्या कहता है, देन द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, मान लीजिए मैं कहता हूं एंगल बी इज ग्रेटर, इसे मैंने कह दिया ग्रेटर है, तो एंगल बी जो ग्रेटर एंगल है मेरा, उसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड, ग्रेटर साइड जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। दैट मीन्स यू कैन से दैट ए सी इज ग्रेटर देन एंगल, इज ग्रेटर देन कौन सी, दूसरी साइड इसके सामने देखो कौन सी है, ए बी, ठीक है। यहां पर हम बी सी की इस बात नहीं कर सकते जब तक एंगल ए का पता ना चल जाए, ठीक है, सिर्फ उन्हीं साइड की बात होगी जिनके सामने यानी कि अपोजिट एंगल्स आपको गिवन होंगे, उन्हीं की बात हो सकती है। तो ये थी आपकी दोनों थ्योरम्स, आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अब हम तैयार हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने के लिए। तो आप रेडी हैं, और हाँ, इससे पहले कि मैं इसे इरेज करूं, आप इसे जैसे ही आपकी 7.3 खत्म हुई है, नेक्स्ट पेज निकालो और दोनों थ्योरम एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पर छाप रखी है बिल्कुल फोटो स्टेट कर सकते हो आप अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है, 7.3 के बाद, और इसको लिखने के बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप देखोगे ना, ये आपका इजी क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये लगा लो थोड़ा सा ट्रिकी, कह नहीं सकते बट, लेकिन हाँ कि थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी अपनी साइड से कुछ इसके अंदर काम करने पड़ेंगे, इसलिए ट्रिकी कह सकते हो, लेकिन इजी भी उतना ही है जितना ट्रिकी है, और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 से 3 बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है,
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अगर आप मुझसे पूछो कि 7.4 में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। अब कहता क्या है, ये आपको कहता है कि एक ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको प्रूफ करना है कि उसके हाइपोटन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब इसने तो किसी ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया, इसे बोलते हैं हाइपोटन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हाइपोटन्यूज बोलते हैं, और वैसे भी हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटन्यूज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। लेकिन आज हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करके दिखाना है, और हम इसे प्रूफ जरूर करेंगे। स्टार्ट करें, ओके लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, क्योंकि प्रूफ के लिए हमें गिवन लिखना पड़ेगा, लेकिन गिवन तो हमें मिला नहीं, तो आप लेट कर लो, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी, इन छोड़ दो, लेट ट्रायंगल ए बी सी, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज राइट एंगल, इज राइट एंगल, ओके, इन विच एंगल बी इज राइट एंगल, नो प्रॉब्लम। टू प्रूव, टू प्रूव हाइपोटन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब इस क्वेश्चन के अंदर हाइपोटन्यूज कौन है, एसी, दैट मीन्स जो एसी है वो आपका ग्रेटर रहेगी एबी से, एंड एसी ग्रेटर रहेगी बीसी से, यानी कि इन दोनों साइड से ग्रेटर है कौन, एसी, ये आपको प्रूफ करना है, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं, अब यहां देखो प्रूफ में, ठीक है, तो स्टार्ट करते अपना प्रूफ, लेकर प्रभु का नाम। तुम बड़े शरारती हो, फिर अंताक्षरी शुरू कर दी, अंताक्षरी नहीं शुरू करनी है, क्या शुरू करना है, प्रूफ। चलो तो स्टूडेंट्स, यहां पे अब हम प्रूफ में क्या दिखाने वाले हैं, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए जो मैं अपने क्लास 7th या 6th या 5th इन स्टूडेंट्स को बताता हूं, कि हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इस वजह से एक ट्रायंगल के अंदर कभी भी दो राइट एंगल नहीं हो सकते, दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, यानी कि अगर एक राइट एंगल है तो बाकी दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट होंगे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो वो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, तो लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, वी नो दैट, हमको मालूम है, तुम हमको मत सिखाओ, वी नो दैट, क्या मीनिंग है इसका, हमको मालूम है, क्या मालूम है भाई आपको, हमें ये मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। यहां पर लिख दो, क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है भाई तेरे पास, एक ही है, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और वो भी किसकी है, हमारी नहीं है, ट्रायंगल की है भैया, किसकी है, ट्रायंगल की, अपनी मत सोच लेना, ठीक है, तुम्हारे नाम अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अभी किसके नाम है, ट्रायंगल के नाम पे है, और वो भी कौन सी प्रॉपर्टी, इनकी जायदाद को प्लस करोगे 180 डिग्री आ जाएगा। चलो अब हमें पता है एंगल बी कैसा है, 90 डिग्री, सो यू कैन से दैट एंगल ए 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रांसपोज करो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो चुका है एंगल ए प्लस सी किसके इक्वल, 90 डिग्री के। नाउ यू कैन सी दैट, यहां लिखोगे बिकॉज इन अ ट्रायंगल इफ टू, इफ देर इज अ
देयर इज अ राइट एंगल देन अदर टू एंगल्स देन अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज यहां पे आपका पता चल जाएगा कि जो आपके एंगल ए है, क्या है आपका एंगल ए, वो क्या रहेगा लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी आल्सो लेस देन 90 डिग्री. सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए. व्हाई? बिकॉज 90 डिग्री कौन है, एंगल बी, तो ग्रेटर हो गया एंगल ए से. इसी तरीके से यहां पे एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी बिकॉज, आप बताओ भाई क्यों. हाँ हाँ बताओ, ठीक है, बहुत अच्छे. चलो फिर आगे शुरू करते हैं. तो यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो मैं थोड़ा सा इसमें से इरेज करने वाला हूं बिकॉज स्पेस नहीं बचा, ठीक है, ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर ले लिया तो बहुत अच्छे. अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, ये कर दिया इरेज. अब देखते हैं यहां पे क्या करेंगे. तो अब करेंगे हम आपके साथ थोड़ा सा और काम. वो क्या है, देखो दो एंगल्स आपने प्रूफ कर दिए ग्रेटर है, आपका एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी. अब सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज क्या है, वो रहेगी आपकी यहां पे, दैट्स सो हियर इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल की बात करते हैं, एज एज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, सो ए सी इज ग्रेटर देन, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, एंगल बी की और एंगल ए की, तो ए के अपोजिट कौन है, बी सी. सो यू कैन से दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, इक्वेशन नंबर वन. आल्सो, अच्छा रीजन दे दो यहां पे. अब बताओ रीजन क्या है, अभी अभी मैंने दो थ्योरम्स के बारे में बताया था, जो पहली थ्योरम है वो रीजन है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, जो सेकंड थ्योरम है वो रीजन है. थ्योरम क्या कहती है, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, या फिर लॉन्गर भी कह सकते हो, लॉन्गर ज्यादा ठीक रहेगा. वो साइड जो लार्जर एंगल के अपोजिट है वो कैसी रहेगी, हमेशा लॉन्गर रहेगी, दैट्स वाई ए सी इज ग्रेटर देन बी सी. आल्सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है, यहां पे लिख भी सकते हो आप प्रूव्ड अबव, लिखो यहां पे. हां अब तो लिखो, लिखना ही पड़ेगा प्रूव्ड, अरे क्या प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दिया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, यहां पे भी लिख दो प्रूव्ड अबव, ऊपर की तरफ प्रूफ करके आ चुके हैं. सो ए सी, अब देखो एंगल सी की बात हो रही है, ये रहा एंगल सी, इसके अपोजिट साइड कौन है, ए बी, तो बी के अपोजिट कौन थी, ए सी, वो लिख दी. सी के अपोजिट कौन है, ए बी, इक्वेशन नंबर टू. रीजन सेम टू सेम, ये वाला ऊपर वाला कॉपी कर देना, यहां पे क्या करोगे, कॉपी कर दोगे ना, कॉपी करने में तो आप बिल्कुल मास्टर हो, ठीक है, तो ये वाली दो लाइंस यहां पे डिटो कॉपी कर देना, कर दिया. नाउ लिखो यहां पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वन एंड टू, ए सी इज द, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यही तो प्रूफ करा था. देखो दोनों साइड, दोनों से पता चल गया, तीन ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल के अंदर तीन साइड थी, ए सी, बी सी और ए बी, तीनों में कौन ग्रेटर है, ए सी, दैट मीन्स ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी. अब लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस, क्या लिखोगे, हैंस, लिख दो फिर, हैंस हाइपोटन्यूज
ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। और इसी के साथ फेस पर लाओ थोड़ी स्माइल, क्योंकि हो चुका है ये, हैंस प्रूव। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव। दोबारा से छोटा सा रिकैप दे दूं, छोटा सा, ज्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा सा। पहले एंगल्स का सम दिखाओ 180, बिकॉज एंगल बी क्या है 90 डिग्री आ चुका है। अब ये दोनों एंगल देखो, इनमें से कोई जीरो तो हो नहीं सकता, इसलिए ए और सी की दोनों की वैल्यू 90 से कम रहेगी। ठीक है, ये दोनों ही क्या रहेंगे, 90 से कम, बिकॉज जीरो तो होगा तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। दैट्स वाई ए और सी अगर कोई दो चीज़ें मिलाकर कोई एक बड़ी चीज़ बने, तो जैसे हमने एक्सियोम उसमें पढ़ा था फिफ्थ चैप्टर में, क्या पढ़ा था कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो 90 डिग्री इज ग्रेटर देन ए एंड 90 डिग्री इज ग्रेटर देन सी। उसी को हमने फिर यहाँ पे दिखा दिया, बी दोनों से बड़ा हो गया क्योंकि बी कितना है 90 डिग्री का है। उसके बाद इसका यूज किया ट्रायंगल के अंदर, जो अभी दो थ्योरम्स पढ़ी थी। इस तरीके से करने के बाद फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, देखा कि दोनों ही कंडीशन में कौन ग्रेटर आ रहा है, ए सी ग्रेटर आ रहा है, इसलिए हमने कहा कि ए सी क्या बन गई, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन ए सी कौन है, देख लो ए सी कौन है, ए सी कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो लास्ट में क्या बोल दिया, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये जो पार्ट है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोटबुक में कंप्लीट कर लो, अपना ख्याल रखो। और हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हॉलीडेज होमवर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट्स आप हॉलीडेज में ही तो बैठे हो और डेली की डेली काम भी कर रहे हो, तो एक तरीके से आपका हॉलीडेज होमवर्क डेली हो रहा है, इससे एक्स्ट्रा अभी तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कभी बाद में हुआ तो मैं अपने आप बता दूंगा, आपको पूछने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फील फ्री, बिल्कुल फ्री रहो। ठीक है, बस जितना काम दिया जा रहा है डेली करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपना ध्यान रखो, आसपास का ध्यान रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।